हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर शांतनु सेन हैं। जो घटना हो रही है आरजी कर में, आपकी भी बड़ी भूमिका है, क्या कहेंगे? सरकार विफल है इस पर? हमारा कोई भूमिका नहीं है, हम एक कॉलेज के एक स्टूडेंट हैं। हमारा कहना यह है कि इस कॉलेज में जो हादसा हुआ है, इस हादसा होने के बाद मुख्यमंत्री खुद सामने आके बोली थी कि इसका फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसके बाद इसको सीबीआई को जांच करने के लिए दिया गया। हमारा मांग है सीबीआई जितना जल्दी हो सके तदंत कंप्लीट करे, ऑल एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करे और सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। सीबीआई पर भरोसा है आपको कि कोलकाता पुलिस पर ज़्यादा भरोसा? सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड हम लोगों ने देखा है, नोबेल प्राइज अभी तक नहीं मिला, रिजवानुर रहमान केस का सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ, नंदीग्राम का सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ, तापोसी मलिक का सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ। पिछले दो साल में 29 सीबीआई केसेस हुआ, यहाँ पर एक भी सोल्यूशन नहीं। कोलकाता के लोगों को तो अब कोलकाता पुलिस पर कम भरोसा हो रहा है ना, जिस तरह से हुआ है। आप ही की सरकार है और आप ही आंदोलन कर रहे हैं। कौन आंदोलन कर रहे हैं? सड़क पर उतरेंगे न्याय की मांग करते हुए 17 तारीख को तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी तो कह रही है, ममता बनर्जी इसको कभी सपोर्ट किया है क्या? ममता बनर्जी तो आगे आके बोली है कि हम भी चाहते हैं कि इसको पनिशमेंट मिले। तो ये एक सोशल क्राइम है, सोशल क्राइम के खिलाफ सब कुछ सब कोई बोलेगा, रूलिंग पार्टी बोलेगा, अपोजिशन बोलेगा, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है इसको पॉलिटिसाइज करके पॉलिटिकल फायदा लेने का कोशिश ना किया जाए। ऐसा कौन है जिसको बचाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है, आप एक डॉक्टर हैं, आप बताइए, जिस तरह की इंक्वेस्ट रिपोर्ट या ये आ रही है उसमें आपको लगता है कि एक ही आदमी का इन्वॉल्वमेंट है? मेरा कहना है कि कौन इन्वॉल्व है, क्या है, इसको इन्वेस्टिगेशन का नाते सामने आना चाहिए, सामने आएगा। लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है, पूरा देश में इतना मेडिकल कॉलेज है, सिर्फ आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल को लेके पिछले 3 साल में इतना कॉम्प्लेन, इतना डिस्कशन, और आरजी कौर मेडिकल कॉलेज पहले जो ईस्टर्न इंडिया में फर्स्ट था, अभी पूरा इंडिया का 50 का लिस्ट में नहीं आया, जबकि ममता बनर्जी और यहाँ का सरकार इतना कुछ कर रही है। सब इसको लेके जब इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है, तब तो सोचना चाहिए कि हैंडफुल ऑफ डॉक्टर्स, हैंडफुल ऑफ पीपल, दे आर इन सपोर्ट ऑफ दैट प्रिंसिपल एंड द एंटायर फ्रेटर्निटी इज ऑन द अपोजिट साइड। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबका साथ उसका पर्सनल राइवलरी है, सब झूठ बोल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद रहे हैं, टीएमसी ने ही उन्हें अपॉइंट किया है, तो आप अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं उनके अपॉइंटमेंट पर? टीएमसी ने अपॉइंट किया, गवर्नमेंट डिसीजन लिया। हाँ, तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार, गवर्नमेंट इतना काम करने के बाद अगर कोई प्रिंसिपल के लिए गवर्नमेंट को इतना भुगतना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट को सोचना नहीं चाहिए क्या? गवर्नमेंट इनका अपॉइंटमेंट किया है, गवर्नमेंट सब प्रिंसिपल को अपॉइंट किया है, लेकिन कोई और प्रिंसिपल एक दिखाइए जिसके लिए गवर्नमेंट को इतना फेस लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक ही प्रिंसिपल के लिए हो रहा है, इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोहीवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़।